हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करते करते बस अब ये होता है कि पहले तो होता था एक घंटे या आधा घंटा मैं कर ही लेती थी, सुबह और शाम को मिला के दो टाइम करती थी मैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, आजकल मेरा एक्सरसाइज करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो सिर्फ ये है कि 10 से 15 मिनट तक कर पा रही हूँ। एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे घर के आगे ना बन रही है रोड, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो वो जो रोड बन रही है तो उसकी वजह से इतना गंदा हो रहा है पूरा घर, खिड़कियाँ बंद करो या कुछ भी करो, अंदर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आ रही है, बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। और अपने योगा के बाद ना मैं ले लूँगी अपना लेमन वाटर। और घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है कि एक बार नहीं, दिन में कम से कम 5-6 बार तो झाड़ू पोछा होता ही है, तब जाके घर थोड़ा सा साफ लगता है। और हर जगह धूल मिट्टी हो रखी है, कपड़े भी इतने वॉश हो रहे हैं। और ये देखिए, ये है बाहर का हाल और इतना बेकार हाल हुआ पड़ा है, हर जगह मिट्टी, धूल, रेता, बजरी, यही सब दिख रहा है। और यही सब सारे प्लांट्स जो हैं वो भी गंदे हो जाते हैं डेली, और कितनी भी धुलाई कर लो या कुछ भी कर लो, सब पूरा में यही हाल हुआ पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए, और बच्चों ने खानी है मैक्रोनी, तो उनके लिए तो बनेगी मैक्रोनी। तो हस्बैंड जो है उनको सुबह मॉर्निंग में जल्दी चाहिए नाश्ता, क्योंकि उन्होंने जाना है खेत में, हमारे हो रही है गन्ने की गुड़ाई, तो बस वो वहीं जाएंगे, तो इस वजह से उनके लिए जल्दी बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं और हस्बैंड जो है वो खा लेंगे ये कद्दू की सब्ज़ी, तो बच्चे तो खाते नहीं है, तो मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर जल्दी उनको ब्रेकफास्ट बना कर दे दूँगी। तो नहाई अभी नहीं हूँ मैं, क्योंकि उनको सुबह जैसे 6 बजे जाते हैं वो, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है। तो यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट बन गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना थोड़ा सा राशन का सामान मैंने मंगाया था हस्बैंड को बोल के, और रात को आया था, तो मैं बस वही निकाल रही थी, क्योंकि ना बच्चों का मन था मैक्रोनी खाने का, तो बस मैक्रोनी बनानी थी मुझे। तो मैंने सोचा चलो नहाने जाने से पहले ना मैं बॉईल करने के लिए रख जाती हूँ, और नहा के आऊँगी तो जल्दी से बनाकर दे दूँगी बच्चों को, भूख लगी हुई है उनको। तो यहाँ पर देखिए, ये आया है राशन का सामान, थोड़ा सा दालें और सर्फ और मैक्रोनी, पास्ता वगैरह, ये सब चीज़ें आई हैं। तो बस मैं थोड़ी सी ये मैक्रोनी जो है मैं बॉईल करने के लिए रख कर फिर नहाने चली जाऊँगी। फिर नहा कर आके मैं बच्चों के लिए बना दूँगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और ना एक्चुअली क्या, जो सड़क बन रही है तो वो लोग क्या हमारे घर पर ही रेता वगैरह जो है वो सीमेंट वगैरह के जो कट्टे हैं वो हमारे ही घर के बाहर रख के जा रहे हैं, तो बहुत उसकी वजह से ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, प्लांट्स भी गंदे हो रहे हैं। तो बाहर की सारी क्लीनिंग जो है अभी करनी है मुझे, और बाहर जो है वो पानी वगैरह भी डालना है। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और मैंने बच्चों के लिए बना दी थी मैक्रोनी, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए डाल कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं, तब तक थोड़ा सा ना मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, मैं वो कपड़े प्रेस कर लूँगी और बच्चे जब तक खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं बाहर की क्लीनिंग करने जाऊँगी। तो बाहर सारा क्लीन करना है। और यहाँ पर हस्बैंड बोल रहे थे चाय पीने के लिए, तो उनके लिए मैंने बनाई थोड़ी सी चाय और वो चाय पीने आए थे घर पे। और उसके बाद अब जाएंगे क्लिनिक, तो चाय पी के चले जाएंगे हस्बैंड क्लिनिक और मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। आ गई थी मैं यहाँ पर अपना पोर्च एरिया क्लीन करने के लिए। और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ना, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इनको मैं डेली पानी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी जो प्लांट है थोड़े थोड़े से मुरझाने लगे। वो इसलिए क्योंकि ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना अच्छे से पानी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ना वैसे पानी देती थी, प्लांट्स को अच्छे से नहला देती थी पानी से। और अब थोड़ा सा सीमेंट वगैरह का है, थोड़ा रेत यहाँ पर पड़ा हुआ है और सड़क का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से अच्छे से पौधों को पानी नहीं मिल पा रहा है थोड़ा बहुत। तो मैंने भी खाना खा लिया था, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, तो इस वजह से। तो मैं, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।